अनंत ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, और उसका एक छोटा सा भाग पृथ्वी 10,000 साल पहले निर्मल, सुंदर और इस पवित्र धरती पर सूर्यांशों अर्थात सूरज के अंश का राज था, प्रकाश का साम्राज्य था। योगी और तपस्वियों से इस पृथ्वी पर प्रकाश तेजस्वी बन गया था। पूजा, वेद, मंत्र पठन से ये पृथ्वी पवित्र थी। योग शक्ति से इस धरती को पवित्र आत्माओं ने संभाला था। आज से 6,000 साल पहले कलियुग की शुरुआत हुई। कली ने लोगों में प्रवेश किया, विचार विकार में बदल गया। आज सारे विकार धरती को त्रस्त कर रहे हैं। अत्याचार बढ़ चुका है, मानवता रोज मर रही है। क्रूरता मानवता के संहार से तृप्त हो रही है। रोज बढ़ते हुए पापों का, अत्याचारों का बोझ उठाते हुए ये धरती कांप रही है। हर तरफ खून की प्यास बढ़ रही है। अंधेरा हर तरफ, हर जगह, हर पल सिर्फ अंधेरा। इस अंधेरे के साम्राज्य में मानवता को अन्याय से, अत्याचार से बचाने के लिए जन्म हुआ सूर्यांशी का। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। परंतु इसे यज्ञ की समाप्ति मत समझो, यह तो प्रथम आहुति है। उस महायज्ञ को समर्पित जिसे पूरा करने के लिए तुमने संकल्प लिया है, परंतु उस महायज्ञ के पहले तुम्हें एक यात्रा और भी करनी होगी, पंच महाभूत यात्रा। समस्त चराचर पंच महाभूतों अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश से ही निर्मित है। यही हर सजीव के निर्माण के कारण है और ऊर्जा के स्रोत भी। प्रकृति की समस्त शक्ति इन्हीं तत्वों में निहित है और तुम्हें भी इन्हीं से विशिष्ट शक्तियां
अर्जित करने होंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? विभक्त होना होगा। पंच महाभूतों में यौगिक शक्ति द्वारा तुम्हारी कुंडलिनी पूर्णता जागृत हो चुकी है। अब तुम ऐसा करने में सक्षम हो। अब चलो वत्स, मुहूर्त निकला जा रहा है। अग्नि कुंड को तुम्हारी प्रतीक्षा है। कुंडलिनी जगत माता सिद्धि देही देही स्वाहा। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धि प्रदायकम्। स्थायित्व देती है, आधार देती है, सहनशीलता देती है। उसके समान ही धीर शील और स्थिर बन। प्रतीक के रूप में स्वीकार करो। शक्ति है, स्वर है, नाद है। इसकी शक्ति तुम्हें भी वायु की तरह तीव्रगामी बना देगी और साथ ही तुम्हारी प्राण शक्ति तथा श्रवण शक्ति भी अभूतपूर्व हो जाएगी। प्रतीक रूप में ये स्वीकार करो। अग्नि ऊर्जा है, प्रचंड है, पवित्र है, क्रोध है, शत्रु है। इससे गुजरकर कोई भी अपवित्र नहीं रहता। प्रतीक के रूप में स्वीकार करो। जल जीवन है, मृदुल है, अनश्वर है। इससे अर्जित शक्ति से तुम भी जीवन रक्षक हो। शक्ति प्रतीक के रूप में ये स्वीकार करो। आकाश की गहराई अनंत है, ज्ञान की बात विशाल है, भ्रम की बात शून्य होते हुए भी सबकी उत्पत्ति का कारण है। उसकी तरह गहन विचारक पर उसके समान ही रंग और आकार के बंधनों से मुक्त हो। प्रतीक के रूप में स्वीकार करो।
संकल्पवान बनो। अब तुम संपूर्ण योगी के साथ साथ संपूर्ण योद्धा भी हो गए हो। अब प्रस्थान करो अपनी कर्म भूमि की ओर, जहां बढ़ता जा रहा है पाप और असत्य का दुराचार, मनुष्य के छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर लोगों का नैतिक तथा मानसिक पतन कर रहे हैं। और ये सब करवाने वाला भी एक महायोगी ही है, जिसका नाम है धर्मराज किल्विश। और उसका उद्देश्य है इस संसार से पुण्य को मिटाकर पाप का साम्राज्य स्थापित कर देना। मैं उसका प्रतिकार कैसे करूंगा गुरुदेव? तुम्हें किल्विश का संहार नहीं, उसे निष्क्रिय करना है। और ध्यान रहे, तुम्हें केवल पाप का शवन करना है, पापी मनुष्यों का नहीं। अपनी शक्ति के बल पर उनका हृदय परिवर्तन करो। असत्य का प्रतिकार करना है, हिंसा नहीं। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक प्रण लो कि तमराज किल्विश और उसके अनुयायी के दुराचार का अंत ही तुम्हारे कर्मकाल का प्रमुख लक्ष्य होगा। प्रण लो। चारों दिशाओं, धरती, आकाश और अंतरिक्ष को साक्षी मानकर जगत के जीव जंतु और वनस्पति को साक्षी मानकर भूत भविष्य और वर्तमान को साक्षी मानकर अंधकार से लड़ने वाले प्रकाश की प्रत्येक किरण को साक्षी मानकर मैं प्रण कोई अवतार हूं न कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूं, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे इंसान नहीं। मानोगे बात मेरी तो कोई नुकसान नहीं, और भलाई इसी में है कि तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गोली का असर नहीं हुआ, अब बच्चे की खोपड़ी मेरे हाथ में है, क्या समझा? चलो निकलो।
देखा वो इधर गया हाँ? Yeah.